आपको क्या कहूं मैं, यू, तुम या आप जो भी हैं, यू है, तुम है, आप है, फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि हमने कभी भी अपने आप को उस नजर से नहीं देखा जो हमें देखना चाहिए था। आप ही तो हैं, और कौन हो सकता है? आपके जीवन के लिए, आपकी जिंदगी के लिए जिम्मेवारी कौन ले सकता है? मैं अपने जीवन की जिम्मेवारी मैं नहीं लूं तो फिर मैं किसको दूं? आप ही हैं जिन्होंने जंक फूड खाने का डिसीजन लिया था और हॉस्पिटल पहुंच गए। आप ही हैं जिसने नहीं पढ़ने का डिसीजन लिया था और एग्जाम में फेल हो गए। आप ही हैं जिसने फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया पे 10-10, 12-12 घंटे समय बिताया था, टाइम पास किया था और पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। रिजल्ट क्या हुआ? एग्जाम में फेल हो गए। आप ही हैं जिसने रात रात भर जग के फिल्में देखी थी, अंग्रेजी फिल्में और पता नहीं क्या क्या चीजें देखी थी, और सुबह 10 बजे उठे थे, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं किया था, कोई चीज नहीं किया था, और आप जिंदगी में हार गए। सोचिए इस बात को। आप ही हैं, भला और कौन हो सकता है आपके जीवन में? लेकिन हम बहुत चालाक जानवर हैं, हमने अपनी सारी गलतियों की जिम्मेवारी किसी दूसरे के सिर पे फिक्स कर दिया। सर मेरे टीचर ने नहीं पढ़ाया ना, इसलिए मैं फेल हो गया। सर मेरी मम्मी ने मोबाइल नहीं दिया था ना, सर मेरी मम्मी ने ट्यूशन नहीं दिया था ना, सर मेरे पास तो ये नहीं था ना, सर मेरे पापा गरीब आदमी थे ना। आप जरा ध्यान से सोचिए आप क्या बोल रहे हैं, आपको शायद समझ नहीं आ रहा है। हम ही हैं और कोई दूसरा नहीं है, और ये ब्लेम गेम खेलना ये फालतू का गेम है, ये टाइम पास गेम है। आप देखिए जितने भी ब्लेमर्स हैं वो सब गरीब लोग हैं जो हमेशा दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाते रहते हैं। आपकी उंगली अगर एक बाहर उठ रही है तो तीन उंगलियां आपके अंदर उठ रही हैं, आपके तरफ उठ रही हैं। इसलिए आप ही हैं, मैं ही हूं जिम्मेवार अपनी जिंदगी का, कोई दूसरा नहीं हो सकता। और एक बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि जो जितनी जिम्मेवारी लेगा वो उतनी ऊंचाई पे जाएगा। यानी आप अगर किसी को प्रधानमंत्री देख रहे हैं तो आप ये समझ लें कि उसने बहुत सारी जिम्मेवारियां लेके रखी हैं, और आप जरा नीचे देखें जो गरीब आदमी है वो अपनी भी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। जो भी सक्सेसफुल आदमी है वो सबसे जिम्मेवार आदमी है, और आश्चर्य यह है कि जितने गरीब हैं वो सक्सेसफुल लोगों को गाली देते हैं। यानी वो इनडायरेक्टली ये बोलना चाहते हैं कि तू भी गरीब हो जा, तू भी मेरी क्लब में आ जा, तू भी जिम्मेवारियां छोड़ दे, तू क्यों समाज की चिंता करता है, तू क्यों परिवार की चिंता करता है, तू क्यों देश की चिंता करता है। वो इनडायरेक्टली ये बोलना चाहता है, और ये सबसे बड़ी भूल है हमारी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको एक हिंट देने की कोशिश करूंगा कि जो जितनी जिम्मेवारी लेगा, जो अपने कंधे पे जितना बोझ उठाएगा, उसका कंधा ही मजबूत नहीं होगा बल्कि वो बहुत सक्सेसफुल होगा। इसलिए सक्सेस की सिंपल परिभाषा है, जिम्मेवारी लो और आगे बढ़ो, और जिम्मेवारी लो और आगे बढ़ो, और जिम्मेवारी लो और आगे बढ़ो, और ऐसे हम सक्सेस की ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं, हम अमर हो सकते हैं, हम इमोर्टल हो सकते हैं। धन्यवाद, सोचिएगा जरूर। थैंक यू।